हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कंप्लीट स्किन केयर रूटीन, जिससे आप सनटैन से इजीली छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट की हेल्प से। तो चलिए देख लेते हैं। और आज जो मैं इस वीडियो में आपको टिप बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये टीनेजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हर कोई इससे ईजिली अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकते हैं। टीनेजर्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, कोई नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन को इससे। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। और जितने भी मैंने आपको ये टिप बताए हैं गाइस, इसे आप अगर चाहें तो डेली में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रब को आप डेली में अप्लाई ना कीजिए, बट हाँ, दो दिन में आप एक बार अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रब को अप्लाई कर सकते हैं, दो से तीन दिन में एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट जो मैंने यहाँ पर आपको फेस पैक बताया है, इस फेस पैक को आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये हर एक स्किन टाइप वालों को सूट भी करेगा, तो बहुत ही अच्छा है, एक फेस पैक है ये, इसे हर कोई ट्राई कर सकता है। और सन टैन से आप इजीली छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है समर्स के लिए। और आपकी स्किन को ये ठंडक भी देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इस फेस पैक में दही ऐड किया है, दही हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाती है और नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन करती है, डीपली क्लीन करती है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो स्टेप है हमारा, वो है स्क्रब। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ टमाटर प्यूरी, और इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच चावल का आटा मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो ये हमारा स्क्रब जो है रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मेरा स्क्रब रेडी है, और अब मैं इसे अपने फेस पर दो से तीन मिनट तक मसाज करूँगी अच्छे से। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है आपने। टमाटो इज अ रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी, विच हेल्प इन रिपेयरिंग सन डैमेज एंड रिड्यूस द विजिबल साइंस ऑफ एजिंग, मेकिंग यूर स्किन लुक हेल्दी एंड ग्लोइंग। और इस स्क्रब को आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सन टैन की प्रॉब्लम है। और इसे आपने वीक में दो से तीन बार अप्लाई करना है। और चावल का आटा एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है, स्क्रब का काम करता है, और स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है। तो ये देखिए मैंने मसाज कर लिया है, अब मैं ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, स्मूथ भी लग रही है, और बहुत ही क्लीन भी लग रही है मुझे मेरी स्किन। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो भी आया है। तो बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। और सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पर है फेस पैक। फेस पैक के लिए हमें इसमें चाहिए एक चम्मच बेसन, एक पिंच हल्दी, एक चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कर्ड यानी कि दही, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि आप इजीली अप्लाई कर सकें। और अब इस फेस पैक को भी हमें दो से तीन मिनट तक अपने फेस पर लगा कर रखना है। तो ये देखिए हमारा फेस पैक भी रेडी है, और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर जो हमने बेसन एंड टर्मरिक का जो हमने फेस पैक तैयार किया है, क्योंकि बेसन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है हमारी स्किन में, और बेसन वर्क्स एज एन एक्सफोलिएंट रिमूविंग डेड स्किन सेल्स, वाइल टर्मरिक हैज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्कारिंग। और जब ये लिटिल बिट ड्राई हो जाए तो आप इसे वॉश कर लीजिए अच्छे से। और इस फेस पैक को भी आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सन टैन है आपकी बॉडी पर, वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सभी इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में इसलिए अवेलेबल हो ही जाएंगे। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।